आप अपना थॉट प्रोसेस जब लगाने स्टार्ट कर दोगे तो आप अगले की बात नहीं सुनते हो, तो फिर वहां गड़बड़ होनी स्टार्ट। आज नहीं आएगा, मैं नहीं बोल रहा हूं उसमें आपकी रैंक अंडर 100 आ जाएगी। बहुत सारे बच्चों को सपोर्ट किया है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ने में सपोर्ट किया है, मेहनत उनकी होती है, डेडिकेशन उनकी होती है, रात को जागना उनका होता है, उसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। कहीं कहीं पर नीचे गिरने लगते हैं तो थोड़ा सा बस वापस हाथ पकड़ के खड़ा कर देते हैं, इतना सही किया है। बाकी सारा सफर पे चलना उनका होता है, समझ पा रहे हो? सांस लेते रहे, चीजें कंट्रोल में लगती है। हम सांस की तरफ ध्यान नहीं देते ना तो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती है। सांस लेते रहे, सच में बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, दिस इज ऑसम टेक्निक। आप यहां तक पहुंचे तो आपने पूरा मन मना लिया, सबके अंदर एक गुस्सा इकट्ठा हो गया है, हमारा जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था उतना नहीं आया, अब हम उस रिजल्ट को उस लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, क्योंकि कुछ जिंदगी में डिसीजन आपको खुद लेने पड़ते हैं। जीत अगर निश्चित हो कायर भी लड़ जाते हैं, ध्यान सुनना, जीत अगर निश्चित हो कायर भी लड़ जाते हैं। बहादुर वो कहलाते हैं जो हारने के बावजूद मैदान में खड़े रहते हैं। जीत अगर निश्चित हो तो कायर भी लड़ जाते हैं, पर बहादुर वो कहलाते हैं जो हारने के बाद में मैदान में अभी भी खड़े रहते हैं। तो कोई बात नहीं सर, हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आया, हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना हम नहीं पहुंच पाए, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई नहीं पहुंच पाता पहली बार में। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे, तो इस बात को हमेशा याद रखना, आप जिस जंग में हारे हो या फिर थोड़ा सा डगमगाए हो या फिर जिसमें आपका रिजल्ट उतना एक्सपेक्टेड नहीं आया, वो जंग सच में डिफिकल्ट थी, तो बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, बिल्कुल आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो क्या समझाने की कोशिश की, मतलब ये सुनने में बात गलत लगती है कि अपना दिमाग मत लगाइए, नेता बनने की कोशिश मत करना। नेता बनने से मेरा मतलब है कि आप अपना थॉट प्रोसेस जब लगाने स्टार्ट कर दोगे तो आप अगले की बात नहीं सुनते हो, तो फिर वहां गड़बड़ होनी स्टार्ट। फॉलो ब्लाइंडली, आज नहीं आएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपका पहला ही टेस्ट होगा उसमें आपकी रैंक अंडर 100 आ जाएगी, नहीं जी, यहाँ की बात कर रहा हूँ, आपके नंबर आ जाएंगे, नहीं जी, सर डीपीपी के सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, नहीं जी, इस लाइन पे चलते रहोगे आगे जाकर रिजल्ट चमत्कार वाला है, ये बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, लेवल जो मैंने आपको बताया था वो ग्राफ ऐसे ही जाने वाला है, आपको थोड़ा विश्वास करना पड़ेगा। बैकलॉग नोट्स का नहीं होना चाहिए, डीपीपी का, किसी का भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए, लेक्चर का भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। जम के मेहनत करेंगे, उधर से आप मेहनत कीजिएगा, खूब मेहनत करेंगे, एक रिजल्ट का बहुत बेहतरीन धमाका करेंगे। गेट रैंक, मैंने गेट का जब आप अपना पीएसयूज में जाने के लिए कुछ एग्जाम्स होते हैं, मेरे ऑल ओवर इंडिया 7th रैंक।